आदाब, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। यूट्यूबर मनीष कश्यप को याचिका पर 21 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। कर्नाटक चुनाव, पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने राहुल गांधी से मुलाकात की। दिल्ली, वायनाड के लिए रवाना हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। राजस्थान, कांग्रेस के चेतावनी के बाद भी धरने पर बैठे सचिन पायलट। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर पहुंचे, लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में होगी पूछताछ। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5676 केस। सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु सरकार को झटका, आरएसएस की मार्च के खिलाफ याचिका खारिज। वाराणसी, भोजपुरी एक्टर आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में आज समर सिंह की कोर्ट में पेशी। नीतीश कुमार आज शाम जा सकते हैं दिल्ली, विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की संभावना। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आज 12 बजे सीएम केजरीवाल का संबोधन। उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव पहले चरण के लिए आज से 17 अप्रैल तक होगा नामांकन। सचिन पायलट के बयान पर बोले सलमान खुर्शीद, घर की बात घर में होनी चाहिए। राहुल गांधी सांसद जाने के बाद आज पहली बार वायनाड के दौरे पर जाएंगे, प्रियंका भी होंगी शामिल। जम्मू कश्मीर, बारामूला पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, दो आतंकी अरेस्ट। अमृतपाल सिंह के करीबी पप्पलप्रीत सिंह को लेकर अमृतसर एयरपोर्ट पहुंची पंजाब पुलिस। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पेरू में भयानक बस दुर्घटना में कम 10 लोगों की मौत, कई घायल। उत्तरी आयरलैंड के लंदन डेरी में नकाबपोश लोगों ने पुलिस वाहन पर पेट्रोल बम से किया हमला। अमेरिका के लुइसविले कंटेकी शहर में शख्स ने गोली मारकर 4 लोगों की हत्या की। मोबाइल और अकाउंट हैक हो सकता है तो ईवीएम भी हैक हो सकती है, सपा सांसद ने कहा। सोरेन सरकार के खिलाफ झारखंड भाजपा आज से आंदोलन करेगी। न्यायव्यापी से जुड़े 7 मुकदमों को जिला जज को ट्रांसफर करने की मांग पर आज सुनवाई। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।